One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. अभी 10 मिनट पहले ही 5 रोगी आए हैं, जिनको कुछ गोलियों के निशान हैं, कुछ मारपीट के निशान हैं, लाठियों से शायद जैसा बताया गया है कि राइफल की बटों से मारा गया है। घटना की जानकारी तो पुलिस ही दे पाई, लेकिन सारी चोटें पांव के अंदर ही लगी, गोलियां ज्यादातर पांव में, कुछ हाथ में लगी हैं। अच्छी बात है कि कहीं सिर में या किसी को गोली ऐसी जगह नहीं लगी। अभी कुछ लोगों को ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, अभी जीवन के बारे में अभी नहीं कहा जा सकता, खतरे की स्थिति अभी अगले 4 घंटे बाद ही होता। सर कौन लोग हैं, किस तरह के लोग? देखिए, ये लोग जो यहाँ के पेशेंट्स हैं, शायद ये दिल्ली में कहीं इनको गोलियां लगी हैं, वहां से ये लोग यहाँ लेकर आए हैं। दिल्ली में शायद किसी सरकारी अस्पताल में ले गए होंगे, वहां इलाज अगर कुछ देखा होगा कि शायद ठीक नहीं हो रहा तो वहां से लेकर वो यहाँ चले। तो सर आज ये सांसद आप यहाँ से, अब जिसको बोलने के नोएडा के रहने वाले लोग हैं, लेकिन मुझे तो ये कहना है कि नोएडा और पूरा मेरा गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र जो है, इस वक्त कानून व्यवस्था की वजह से चिंताजनक बना हुआ है। और अभी केस क्योंकि मारपीट और गोलियां दिल्ली में लगी हैं, तो इसके बारे में मैं मेरा कुछ कहना मुझे नहीं। आपके जानने वाले या रिलेटिव या परिवार से क्या मामला पूरा है? भैया हमारे दोनों, मेरे छोटे भाई और उनके दो दोस्त, तीन दोस्त, 5 लोग हैं जिनके गोली भी लगी हुई है, और उन्होंने गोली उस तरीके से नहीं मारी कि बच जाए, उन्होंने तो इरादन हत्या बिल्कुल एकदम, और वो लोग क्रिमिनल लोग हैं, और उन्होंने जो गोली इनके ऊपर चलाई है इस इरादे से चलाई कि ऑन द स्पॉट ही मारे जाए। वहाँ पे हमारा दिल्ली जल बोर्ड से कोई हमने काम ले रखा था, उसका ड्रेनिंग का काम था, उस काम को देखने के लिए गए थे, तो पर प्लानिंग से उन लोगों ने उनके ऊपर गोली चलाई और मार पटाई आपके सामने, आप बुरी तरह से घायल हैं लोग, कोई इनका कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। दो लोग तो ऐसे दो लोग हैं, एक राहुल और एक राकेश, जो यारी दोस्त थे वहां चले गए। उन लोगों की पहले से ही प्लानिंग थी, लेकिन आज इनका समय खराब था, इनको वहीं पर पकड़ के लोगों ने खूब बुरी तरह से पीटा, और उन लोगों ने नाम लिया अनिल दुजाने का, कि हम अनिल दुजाने के लोग हैं, हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें काम नहीं करेंगे, और इस तरीके से इनके ऊपर गोली चलाई और बुरी तरह से मार पिटाई करी। मैं समझता हूँ कि मैं अभी किसी के खिलाफ कुछ कहने में नहीं हूँ, मेरे भाई, पहले मैं अपने भाई से बात करूंगा, उसके बाद मैं आगे की कार्रवाई कराऊंगा। नहीं, ये पूरी घटना देखते हो तो दिल्ली की है, पूरी घटना दिल्ली की है, लेकिन मैंने दिल्ली में अपने को सुरक्षित ही नहीं समझा, तब मैं यहाँ लेकर के आऊँ, मैं कैलाश हॉस्पिटल में लेकर के इलाज कराने आया हूँ। वहाँ की व्यवस्था मैंने देखी, तो वहाँ की व्यवस्था तो वहाँ के पुलिस वाले भी ऐसे ही थे कि जो मदद करने में सक्षम नहीं थे, तब मैंने वहां से फटाफट रेफर यहाँ पे कराया, कैलाश हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए मैं आया हूँ, और मैं उनके खिलाफ FIR भी कराऊंगा। जो अभी स्थिति है घायलों की, वो क्या स्थिति है? स्थिति बहुत खराब है, अभी एक्सरे हो रहे हैं, सिटी स्कैन हो रहा है, गोली अभी निकली नहीं है, गोली फंसी हुई है दोनों के दोनों, और जाकर के अभी डॉक्टर साहब मुझे बताएंगे, मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा। ये आपको ये कैसे पता लगा किस गैंग से आप ताल्लुक है या किस मामले में? देखिए, जिस तरीका से इनके ऊपर हमला किया है, 100% क्रिमिनल माइंड है, और क्रिमिनल तरीका से इनके ऊपर हमला किया गया है। एक आम आदमी एक डंडा मारते हो डरता है, लेकिन ये लहू लुहान है, और इनको लहू लुहान छोड़ करके वो लोग झूठों में फेंक गए, इनको इनके मोबाइल और इनकी गाड़ी लूट ली है, और वहां पे इनको ऑन द स्पॉट मतलब मार मुड़ के जैसे करते हैं, छोड़ दो वहीं से छोड़ के इनको गए, और दिल्ली पुलिस को कैसे सूचना कर करा करके, किसी ने ऑपरेटर है वहां सूचना करी है, दिल्ली पुलिस वहां मौके से पहुंची है, तब इन लोगों ने करके लाया, लेकिन वो लोग वहां पर मारने के प्लान से लेके गए। घटना कहां हुआ थी? ये घटना तिमारपुर थाना है, उससे मात्र 5 किलोमीटर जगह, और जहाँ पे एक वजीराबाद पुल है उसके पास ही जगतपुर के गांव के लोगों ने घटना को अंजाम दिया। Thank you.
ये उसका चीज होता रही है सब लोग चार पांच आदमी सब लोग बाहर बाहर जाते पीछे लोग बेटा।
अंगूठा चलाओ, अंगूठा चढ़ा पाँच के दोनों इलाज करने दो, इलाज करने आपको पीछे लिए प्लीज।